एवरीवन, गुड मॉर्निंग, बड़ों को नमस्ते, आशीर्वाद दें और छोटों को बहुत सारा प्यार। और आज की वीडियो होने जा रही है, जैसा कि आपको पता है आज है एकादशी, सो हैप्पी एकादशी, हैप्पी षट तिला एकादशी, जिसका इस एकादशी का नाम ही ये है। तो तिलों का दान, तिलों की चीज़ें खाना, ये सब जो मतलब मैंने कथा में सुना है, क्योंकि मैं सुन लेती हूँ, आचार्य कौशिक जी महाराज हैं जो जिनकी मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, तो मैं कथा सुनती हूँ उनकी, तो उन्हीं से ही थोड़ा बहुत जो भी है पता चल जाता है। और इसीलिए मुझे एडवांस में भी पहले ही एक दिन पहले पता चल जाता है कि कल एकादशी है, त्रयोदशी है, कई बार नहीं तो स्लिप हो जाता है दिमाग से। एंड रियली ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तो कई बार मैं अपने घर पे भी बोलती हूँ लेकिन वो लोग भी भूल जाते हैं मुझे बताना कई बार, तो ऐसा हो जाता है हम लोगों के साथ। इसलिए मैंने फॉर सेफर साइड ये किया हुआ है कि मुझे किसी से भी पूछना ना पड़े और खुद मुझे जो करना है मैं खुद करूँ। तो आज एकादशी है और इसके उपलक्ष्य में आज मैंने रखा है फास्ट। और एकादशी का व्रत तो इवन मुझे लगता है सबको रखना चाहिए, जैसा कि मुझे आज याद आ रही है अपनी सासू माँ की, क्योंकि वो एकादशी का व्रत रखती थी। और वो एकादशी का व्रत रखती थी तो मुझे ध्यान आ रहा है कि उन्होंने भी बोला था कि बेटा एकादशी का व्रत तो मैं बहुत पहले कभी छोटी थी तब से रखती आई हूँ। तो मैंने मम्मी से पूछा भी था एक दिन ऐसे ही कि मम्मा मैं एकादशी का व्रत अगर रखूँ तो कैसा रहेगा, तो उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छा रहेगा, अगर जीवन में कभी भी तेरा मन करे तो रख लियो। तो बस आज ऐसा ही मन हुआ, इससे पहले मैंने नहीं रखा, लेकिन आज से मैंने ये सोचा है कि मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ, है ना। तो ये टाइम जो है ये अच्छा भी है, इसमें कहते हैं जिसको उठाने हैं एकादशी के व्रत आज से उठा सकते हैं, तो मैंने उठा लिए हैं। चलिए, ये तो रही मेरे मन की शेयरिंग, कुछ जो मैं करती हूँ तो आपसे शेयर कर लेती हूँ। अब धूप निकलने लगी है, आपको पता है मौसम भी कुछ अच्छा हो गया है, तो अब जो है मन ये हो रहा है कि ये क्लीनिंग कर दो, वो कर दो, और घर को फिर से थोड़ा सा डेकोरेट करने का मन। तो जहाँ मुझे कुछ लगता है ना, मैं ऐसी, क्योंकि पता है काफ़ी टाइम हमने बैठे बैठे बिताया है रजाई में, तो मैंने यही सोचा कि मैंने कुछ ऑर्डर किया और घर के डेकोरेशन के लिए, जैसे कुछ दिख जाता है अच्छा तो कर ही देती हूँ मैं, तो मैंने वो मंगाया था और वो आ गया है आज, तो उसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने ही कर लेती हूँ। कैसा है देखते हैं, नहीं तो रिटर्न कर दूंगी। तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ यस, तो इसमें मैंने ये ओपन किया है, ये देखो ये क्या भर रखा है इन्होंने, बाय गॉड, ये देखो ये अमेजोन की पैकिंग में देख लो क्या निकला है यार, हद है, मतलब कुछ भी तंबाकू का रख दिया है इसमें, कुछ भी भरना है भर दिया है ना। बट हमारे लिए जो असली चीज है वो इसमें से निकलेगी, अब देखते हैं क्या। टी कैंडल्स ये हम इसमें रखेंगे इस तरह से, और इनको हम सेंटर टेबल पे रख सकते हैं, है ना, या फिर आपका कोई टेबल है जहाँ पे आप रखना चाहें तो वहां रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको दिख रहा है ना अच्छे से, एक मिनट, ये कुछ ऐसे है, कैसा लग रहा है ना। तो आप इनको इसके अंदर टी कैंडल्स रखकर जला सकते हैं और घर में किसी भी कोने में रख सकते हैं, मेरे तो पास है जगह काफी, तो मैं वहां रख सकती हूँ। मैंने इनको यहाँ प्लेस कर दिया है, जो मेरे पास ये एक, अभी मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया है, नहीं तो अदरवाइज रात को ये जो होते हैं ना ये सेल डलते हैं इसमें, और ये कैंडल टाइप से हैं, तो आप इनको भी रख सकते हैं इसमें, ऑन करके मैंने इसमें रख दिया है। हालांकि अभी दिन हो रहा है तो इसलिए इतना आपको नहीं दिख रहा होगा, रात को ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये मैं ईशा फाउंडेशन गई थी, तो ईशा फाउंडेशन आई थिंक 2017 अराउंड की बात होगी, तब हम गए थे, तो फिर मैं ऊटी वगैरह भी घूम के आई थी उधर। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू कलेक्ट दिम ऑल गुड मेमोरीज, एंड मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि हम जब अच्छी मेमोरीज को कलेक्ट करते हैं तभी हमारी बैड मेमोरीज जो हैं वो रिमूव होती हैं। हालांकि इतना आसान तो नहीं होता, मैं जानती हूँ आप लोगों के भी, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो वो याद करके दुखी होता है,
है ना, ऐसा कोई भी नहीं है। और मुझे लगता है हम लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और ये हर कोई फील भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये भगवान की तरफ से ही होती हैं कुछ चीज़ें कि आप फील कर सकें तभी आप खुश रहेंगे। ये भी उन्हीं की तरफ से आशीर्वाद है। मैं तो बहुत, अगेन मैं कहती हूँ, स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि मैं ये मानने लगी हूँ, और इसीलिए मैं खुश भी रहती हूँ। जब आप लाइफ में हर किसी को एक जो एक्सेप्टेंस वर्ड है, उस एक्सेप्टेंस वर्ड को आप पिक कर लेंगे अपनी लाइफ में, कि जो जैसा है उसे हम वैसा ही स्वीकार करें। तो लेकिन ये भी बात सही है कि हर किसी को समझ नहीं आ सकती है, और तब समझ तभी आएगी जब वो चाहेगा। तो शायद ऊपर वाले ने कहा है मुझे तो कि हाँ, इसको समझ आ जाए भगवान, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं खुश रहूं। मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं। तो जब माँ का आशीर्वाद मिल जाता है, पिता का आशीर्वाद मिल जाता है, तो नो डाउट कुछ चीज़ें पूरी होते हुए भी अच्छी हो जाती हैं। तो ऊपर वाले की दृष्टि है, ऊपर वाले की कृपा है कि हम खुश रहें, और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी खुश रहें, और वो कभी भी किसी के बारे में गलत ना सोचें। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी उनके लिए, अगर वो कुछ वाकई में अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, तो ये चेंज ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बहुत ज्यादा हो गया यार, है ना? तो बस इतना ही कहना था मुझे, इतने ही कहने से आप समझ जाइए। लेकिन वो यार, इन बिटवीन मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी। मेरा जो ट्राईपोड था ना, वो टूट गया है समहाउ। अभी मैं फोन से निकाल रही थी और ये अलग हो गया है। तो मुझे एक और ऑर्डर करना पड़ेगा, देखो जब आएगा। यहाँ से मेरी मोस्टली चीजें ऑनलाइन आती हैं, मतलब क्योंकि मेरा भी, मैं बाहर जाती नहीं हूँ, मेरा बहुत कम मन होता है बाहर जाने का, है यार। सबकी अपनी अपनी एक कंफर्ट लेवल होता है, और उससे उनको खुद ही निकलना चाहिए। जैसे मुझे कोई नहीं निकाल सकता। मुझे इवन बेटा भी कहता है, मम्मी बाहर जाया करो, मम्मी आप जाओ सामान लेने, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ। पता नहीं क्या हो गया, मन जाने का ही भी, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। आज दोस्तों मैं बनाने जा रही हूँ टिक्की। तो टिक्की के लिए मैंने क्या किया है, आलू बॉईल करके रख लिए हैं, और मैं उस टाइम करना भूल गई थी, अभी याद आया तो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आलू बॉईल करके कद्दूकस करके डाल लिए मैंने, और उसमें हरा धनिया, काफ़ी सारा हरा धनिया, 3 हरी मिर्च इस तरह से, और 5 आलू थे ये, और सेंधा नमक, क्योंकि आज एकादशी भी है। तो आपने फास्ट रखा है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फास्ट पे हूँ। तो इसमें हमने व्रत वाला आपका सेंधा नमक जो होता है वो डाला है मैंने, और ये मैंने थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके रख लिया। हालांकि इसमें अगर आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, टिक्की जो व्रत वाला नहीं होता है, व्रत के हिसाब से बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है, आप सूजी डाल सकते हैं, या फिर इसमें आप अरारोट, जो बेसिकली जो ये बाहर आप खाते हैं टिक्की, तो ये लोग जो है वो उसमें अरारोट मिलाते हैं, बट मुझे अरारोट से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आया। आप थोड़ा सा बेसन और थोड़ी सी सूजी मिला लें, एटलीस्ट बेसन नहीं तो सूजी तो मिलाए ही, बाकी सारे इंग्रेडिएंट वही रहेंगे। और उसमें वो काला नमक मिलाते हैं जो मैंने अभी नहीं मिलाया, मैंने सेंधा नमक मिलाया है। तो ये सारी चीज़ें, और थोड़ी सी मैंने जो होते हैं ना चिली फ्लेक्स वो डाले हैं, रेड चिली पाउडर नहीं डाला है। तो अभी इसको मैं अच्छे से करके इसकी टिक्की बना के रखने वाली हूँ। और यहाँ मैंने अपनी जो कढ़ाई है, हालांकि तवे पे करते हैं बट मैं अभी तवा नहीं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास है बड़े वाला तवा, लेकिन मैं इस कढ़ाई में ही, इस फ्राई पैन में ही यूज़ करने वाली हूँ, और सारे के सारे, और घी में बनाऊंगी। तो चलते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। टिक्की हमारी अबाउट टू रेडी है ना? बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, और ये धीमी धीमी आंच पे ही बनती है, तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन यस हमें चाहिए एकदम क्रिस्पी, तो टाइम तो लगेगा। और यहाँ पर मेरी ग्रीन चटनी, दही रेडी है, और हम इनके साथ सर्व करें। हेलो यार। मैं भूल गई रिकॉर्डिंग करना, और क्योंकि भूख भी लगी हुई थी, और
इस चक्कर में, और बेटे को भी हो रहा था कि जल्दी मुझे भी चाहिए, मम्मी मुझे भी चाहिए, और इस चक्कर में हमने बना के खा लिया, दिखा नहीं पाई आपको, तो आप भी बना लीजिए है ना, और खा लीजिए। तो आज की तो वीडियो इतनी ही, और बाकी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।